के हाल, दूसरा नुक्ता था कि अपोजिशन को नेप के जरिए हरासा करने और उनके उनको अपने जमहूरी हक से महरूम करने के लिए इकदामात। तीसरा मुतालबा या नुक्ता ये था कि होशरुबा महंगाई की वजह से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के आवाम खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों को जिंदा रखने के लिए वसाइल तलाश करे। और चौथा नुक्ता ये था कि बिजली की जो बग़ैर ऐलान की लोड शेडिंग है या बिजली की तरसील में जो बलूचिस्तान में आप सब इसके गवाह भी होंगे जो जुल्म सितम होता है, और फिर गैस के बारे में ये नुक्ता था कि सिंध और पंजाब में इंडस्ट्रीज और कारखाने गैस के ज़रिए चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ ज़िंदगी बचाने के लिए भी गैस की तरसील नहीं होती। क्वेटा आप सबके सामने है, यहाँ पे लोग ज़िंदगी बचाने के लिए गैस को तरस रहे हैं, परेशान हैं। तो इन नुकात पे जो आज बलूचिस्तान और पाकिस्तान की ज़रूरत है, अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है, कोई ज़ीशऊर पाकिस्तानी और कोई ज़ीशऊर बलूचिस्तानी ये नहीं कह सकता कि बलूचिस्तान में लोगों की जान और माल, इज्जत और आबरू महफूज है। बल्कि जब घर में आग लगती है तो दुश्मनों को मौका मिलता है वहाँ उस आग पे पेट्रोल डालने का। बैरूनी इनासिर को भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान में बदमनी फैलाने का मौका मिलता है। तो आज बात इसकी थी कि इस पे सोचा जाए कि किस तरीके से अमन अमान को काबू किया जाए। रियासत की जिम्मेदारी क्या होती है, लोगों की जान और माल का तहफ़ आइन और कानून लोगों की जान और माल के तहफ़ को रियासत के ज़िम्मे डालता है। लेकिन यहाँ 10 भी मरते हैं, 20 भी शहीद होते हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हुकूमत के बेंचेस हैं, ये इन तमाम वाकयात को, इन मामलात को फेस नहीं कर सकते। नेब के ज़रिए हरासानी की बात तो इसलिए अभी मैं नहीं करूँगा कि नेब को, ख़ुद नेब के चेयरमैन को असम्बली में बुलाया गया है और जो उसने 540 करोड़ रुपए दिए हैं, पेमेंट की है, उस बारे में अब वो जितना भी अपोजिशन को उन्होंने हरासा करना था कर लिया। इसके बाद शायद वो खुद अब परेशान होना शुरू हो जाएंगे और उनकी खुद की अभी अपना किस्सा जो है वो ख़त्म होने को है। लेकिन ये जो महंगाई है, अमन व अमान है, इस पे मग़रिब की अज़ान के वक्त जब हमारे साथी नमाज के लिए चले गए तो यहाँ पे मैं इसको नाक़िबत अंदेश कहूँगा। और साथ में SDP के जो साथी हैं वो भी, हालांकि हमने उनकी बड़ी मदद की और उन्हें करनी भी चाहिए थी, हम तो वैसे अगर न भी वो आते तब भी हम ये करते, क्योंकि इंसानियत की बात है। बलूचिस्तान के 10 लोगों को बर्बरियत से शहीद किया गया 2 और 3 जनवरी की दरमियानी शब को। लेकिन उनकी वो सरकार का जो प्रेशर उन पे आया तो वो भी इन तमाम चीज़ों को अधूरा छोड़कर वो भी भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के ये मसाइल हैं,
इससे आज अगर वो गए तो हम दोबारा रिक्विजिशन करेंगे। हम ये जो मसाइल हैं ये डिस्कस भी करेंगे और इन पे अमल दरामद के लिए हमारा जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो पूरी कोशिश करेगा इंशाल्लाह अल अजीज। थैंक यू वेरी मच। सना चलो चलो नहीं होता उसको बुलाओ किसी को नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया मुआज़िज़ साफ़ी हज़रात। जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया कि आज चार अहम नुकात जो बलूचिस्तान के हवाले से अहम थे उन पर जो रिक्विजिशन का इजलास अपोजिशन के कहने पे बुलाया गया था, आपने देखा कि ये हुकूमत पहले ही दिन से बलूचिस्तान के मसाइल से हमेशा राय फिरार इख्तियार करती है। पिछले दफ़ा जब ग्वादर में बाढ़ की बात हो रही थी और इसी असम्बली में हमने वज़ीर आला की तकरीर एक घंटा बैठकर सुना कि उस पर अभी क्या वो फैसला करने जा रहा है, जब वो फैसला किए बगैर हमने स्पीकर साहब से कहा कि जनाब स्पीकर साहब आप इनसे कोई फैसला ले लें, तो इसी फ्लोर पे वज़ीर आला भाग गया और उसकी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पे वायरल है। आज उसकी पूरी काबीना भी अमन अमान के हवाले से, खासकर जो मच का वाकया था, छः दिन यहाँ पे लाशें पड़ी रही और HDP के यहाँ पे दो नुमाइंदे हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि मच के वाकया पे भी ये करारदाद लाते हैं, हमने भी उस पर दस्तखत की। हम अगर अपोजिशन HDP ये करारदाद ना भी लाते, लेकिन हम अपोजिशन चूँकि मलिक साहब ने जिस तरह फरमाया इंसानी एक वाकया था, ये लोग जो है बड़ी बर्बरियत से मारे गए थे और इनके साथ हमेशा होता रहा है इनकी, लेकिन आज इनका भी इस असम्बली से राय फिरार होना, आज इनका भी भागना जो है मेरे ख्याल में आज आज जो है हज़ारा कौम देख रहा है कि उनके नुमाइंदे जिस तरह उस मैदान में भाग गए आज असम्बली के फ्लोर पे भी भाग गए। कादिर अली नायल का अपना कहना था कि एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, उसकी मुंह से पता नहीं किस तरह निकल गया। जब सना बलोच ने कहा कि वाकई हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इस कम्युनिटी के साथ जुल्म होता रहा है, 22 सालों से इनके 2000 से ज़्यादा अफराद मारे गए, इसलिए इनके मुतालिबा है हम उससे इत्तेफाक करते हैं, इस पर ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, तो उनकी जो है पार्लिमानी लीडर खालिक हज़ारा उठकर जो है उस बात से दस्तबरदार हो गया, उसने बोला कि करारदाद ही काफ़ी है। ये लोग बलूचिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनसे जो है राय फिरार इख्तियार करते हैं। हमने ये जो आज की चार करारदादे हमने चार जो एजेंडे के चार नुकात थे उसमें महंगाई भी एक अहम वो था। मैंने एक आज कोई एदाद शुमार लाया है, एक तो यह है कि अखबारात के सफ़े अव्वल पे एक बहुत बड़ा इश्तहार छप गया कि पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से एशिया के पहले नंबर पे आ गया है, लेकिन बलूचिस्तान जो है महंगाई के लिहाज से इस बलूचिस्तान का सूबा पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर पे आ गया। वो उसकी अपनी एक एदाद शुमार है SPI इसका, वो कहता है कि जहाँ पर मैं छोटी सी मिसाल दूँगा, इसके अंदर सब कुछ है, पूरे मुल्क में अंडा जो है 190 रुपये का दर्जन है, लेकिन बलूचिस्तान में 220 रुपये का जो है अंडा बिक रहा है, और पूरे मुल्क में जो है यहाँ पे मुर्गी जो है 183 रुपये की है और हमारे सूबे के अंदर 270 रुपये में बिक रहा है। पूरे मुल्क के अंदर जो है मेरे ख्याल में दाल की कीमतें हमारे सूबे के अंदर तमाम दूसरे सूबों से हर अशियाए खुर्द नोश 30-40-50 रुपए ज़्यादा फ़ी किलो रुपए फ़रोख्त हो रहा है। ये इसी नाहल और बदबخت सूबाई हुकूमत जो हर वक्त राय फिरार इख्तियार करती है, ये तमाम वो मसाइल थे जो इसी असम्बली के फ्लोर पे आज आवाम ने अगर हमें नुमाइंदगी दी है, वो अपने मसाइल का हल चाहता है, वो इस असम्बली पे अपने मसाइल का हल चाहता है, लेकिन ये हुकूमत जिस तरह आज गेट पर भी आवाज़ें सुन रहा है, हमारी आवाज़ें उनकी आवाज़ में दब रहा है, हर वक्त जो है इस किस्म के बेरोज़गारों का बार बार जो लोगों को उनकी मुलाजिमतों से निकाल रहे, ये सबसे वो लोग भागते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कब तक आप राय फिरार इख्तियार करोगे, कब तक आप भागोगे? एक दिन ये आवाम का हाथ आपके गिरेबान पे होगा। ये दोबारा आज हम रिक्विजिशन इस चार मसलों पर दोबारा जमा करेंगे, बार बार जमा करेंगे। आज हमारी दो तीन अपोजिशन के नवाब साहब बाहर है, हमारी एक मेंबर थी उसकी
بہن فوت ہوئی تھی, دو بیمار تھی, نصر اللہ کی والدہ, تو آج ہماری والد فوت ہو گئے تھے, ہماری کورم ٹوٹ گئی. لیکن اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اپوزیشن کا کورم نہیں ٹوٹے گا, اور یہ مسائل بار بار عوامی مسائل ہے, اس اسمبلی میں جو ہے یہ مسائل بار بار پیش کریں گے, بار بار جو ہے عوام کے نمائندے کی حیثیت سے آپ سے پوچھیں گے, انشاءاللہ آپ کو رائے فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے.